हमारे साथ दोनों ही टीमों के कप्तान मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ राहुल जी मौजूद हैं, लक्ष्मी वॉरियर्स के कैप्टन। लगातार दूसरा मैच इन्होंने जीता है, कल रात भी इन्होंने बड़े अंतर से इस मैच को जीता था। अपने मैच को 188 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था राहुल जी, आज लक्ष्य तो बहुत छोटा दिया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी इस तरह से हावी हो गई, तो क्या रणनीति आज गेंदबाजी की बनाई हुई थी? गेंदबाजी की रणनीति नहीं थी हमारी बल्लेबाजी की रणनीति थी कि बड़ा टारगेट दें, लेकिन हम टारगेट देने में सफल नहीं रहे, तो हमने अपना बैटिंग लाइनअप तो मतलब हमारा फेल हो गया, तो बॉलिंग इस तरह से करी थी कि हमने ताकि लो स्कोर को डिपेंड कर चुके हैं। अच्छा, क्या लग रहा था पहले भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी हमारी हावी हो सकती है दूसरी टीम के ऊपर, इस चैंप के ऊपर, क्योंकि पिछला मैच भी आप लोगों ने जिस तरह से जीता था उसमें मुझे लगता है बॉलिंग का कुछ बड़ा योगदान नहीं कह सकते, बैटिंग का ज्यादा योगदान था, लेकिन यहाँ बॉलिंग ज्यादा हावी होती नजर आई? नहीं, हमारे बॉलर में मुझे पूरा विश्वास था कि इतना स्कोर था कि हम आराम से फाइट कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब अपने बॉलर से हमने अच्छे तरह से डिस्कस करने के बाद हमें समझाया कि स्कोर को मतलब बड़े लेवल पे सोचें और डिपेंड करने ना दें, ताकि मतलब बॉल स्पिन से थोड़ा लेके चलें, स्पिन खेलना हार्ड पड़ता है, तो इसलिए हमने स्पिनर से के द्वारा मतलब मैच को बनाए रखा। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो राहुल जी। मेरे साथ दूसरी टीम के कप्तान भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, दूसरी हार है ये एस चंद की, तो अब क्या रणनीति रहने वाली आगे की? रणनीति के आगे के दो मैच देखते हैं क्या किस हिसाब से खेलने वाले हैं, क्योंकि दो मैच मुझे लगता है कि दोनों ही मैच में बल्लेबाज जो थे वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। पहली बार भी 76-77 के स्कोर पर आप लोग आउट हो गए और आज भी 102 रन ही बना पाए, तो क्या लगता है कि बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है? बिल्कुल, बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। और शुरू के 8 ओवर अच्छे थे जिसमें हमने इन्होंने रोक के रखा, जिसमें 42 रन बने, लेकिन उसके बाद के जो 7 ओवर थे उसमें हमारे बॉलर कुछ धीमा हो गए, जिस वजह से हमारे रन भी काफ़ी चले गए, जो हमारा एक्सपेक्टेड था कि हम उनको 80-90 में सुरक्षित कर दें, तो वो हमारे से नहीं हो पाया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर